हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 3-3 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहा है, यहाँ आपकी लाइफ में खुशी के कौन से दरवाजे ओपन कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 3-3 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ओके, वॉकिंग अवे नंबर 27। ओके, ये वॉकिंग अवे किस वजह से गाइस? ये कुछ चीज़ें बदल रही है। जो बुरे लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, या फिर जिनकी वजह से आपको तकलीफें बहुत ज़्यादा सहनी पड़ी थी ना, ये लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं गाइस। 3-3 पोर्टल आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है गाइस। ये समझ लीजिए कि आपको जो लोग परेशान कर रहे थे ना कहीं आपको मतलब वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके लिए कुछ मालिक की कृपा से ऐसी व्यवस्था अपने आप हो रही है गाइस, कि या तो आपका कहीं और शिफ्ट हो जाना, या फिर ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा गाइस जो आपके लिए एक सुखद ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, आपके लिए एक सुखद वातावरण बनाने के लिए अपने आप व्यवस्थाएं हो रही है ना। एक और बात कहना चाहूंगी गाइस, अगर कोई किसी प्रकार का आपका कोई काम बन नहीं रहा था, या कोई डील आपकी साइन नहीं हो पा रही थी किसी इंसान के चलते, जिनके बारे में आपको पता है कि ये बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके मार्ग से हट जाएंगे। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके काम के बीच में जो रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे ना, वो रोड़ा हटने वाले हैं, है ना। आपकी राह आसान होते हुए नजर आ रही है गाइस। तो एक कह सकते हैं कि 3-3 पोर्टल जो है ना, ये आपकी जर्नी को थोड़ा आसान करने वाला है गाइस। साथ में मैं एक और बात कहूंगी कि ये जो पोर्टल आ रहा है ना गाइस, इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप अपने अपने साहस का एहसास करने वाले हो और एहसास करवाने वाले हो गाइस, है ना। आपकी एनर्जी बड़ी सकारात्मक रहेगी। आप जैसे बिल्कुल ये कह लो गाइस कि एक समय होता है ना जब इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता, लेकिन एक समय में वो इंसान अपनी ताकत को पहचानने लग जाए, तो कुछ ऐसा ये पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है कि आप अपने साहस को समझ पाओ और कोई एक्शन भी लोगे गाइस। ये भी पक्का है, अपने साहस के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर आप कोई एक्शन भी लेने वाले हो, और उस राह पर मैं कोई बाधा उत्पन्न क्रिएट नहीं करेगा ना, कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करेगा गाइस। यानी 3-3 का पोर्टल कह सकते हैं कि ये आपके लिए, आपकी जिंदगी को आसान करने के लिए, आपकी जर्नी को आसान करने के लिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ साथ एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी दे रहा है। दोनों ही चीजें हो रही है, सपोर्ट आ रहा है गाइस आपको मालिक की तरफ से, और यहाँ से आपका एक अच्छा, कहता ना कि अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको लेकर गाइस। आपको देखोगे कि आप में ना एक अलग जो है ना एनर्जी दिख रही है, आप में एक अलग एनर्जी जो है ना आपको एहसास हो रही है, कुछ आप में बदला हुआ सा फील करोगे गाइस। अच्छा पॉजिटिव, आप खुद सोचोगे कि मुझ में ना सकारात्मकता तो बहुत ज्यादा रह रही है, मेरी ओवर थिंकिंग कभी नहीं चल रही है। एक्चुअल में आप बिजी रहने वाले हो अपने काम को लेकर, अब खुद को लेकर, तो आपको ना इतना नेगेटिव सोचने के लिए या फिर ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं मिलेगा, और लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छी बात ये है, ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बन रहा है समय का कि आप भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, लोग भी आपको परेशान ना करें, है ना। टकराव वाली स्थितियां खत्म हो रही है, इसे समझने की कोशिश करो कि जो टकराने वाली स्थितियां थी ना, जो कला उत्पन्न करने वाली चीजें, जो माहौल बिगाड़ने वाली चीजें थी ना, वो कम से कम इस पोर्टल के बाद में आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ये इतना आसान, मतलब मानसिक शांति आपके लिए रहेगी, ताकि कोई काम करना हो आपको, ताकि कोई एक्शन लेना हो ना, तो उसमें आपको आसानी रहे, आपका दिमाग, आपकी सूझबूझ आपका साथ दे, किसी प्रकार का तनाव आपको ना रहे, ये चीज देखने को मिलेगी गाइस। वर्क प्लेस पर भी अगर कोई परेशान कर रहे थे ना, अभी तो नहीं करेंगे, देखना, ये तो पक्का है। आपके ना खुद में बदलाव देखने को मिलेगा गाइस। ये देखो जर्नी के बारे में कह ही रहते हैं ना,
कि कुछ एक्शन लोगे आप इस पोर्टल के बाद में ना, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आए, कोई डायरेक्शन आप पकड़ लोगे, कहीं ट्रेवल की संभावना भी लग रही है गाइस, है ना। या फिर आप शिफ्ट करने वाले हो, अगर आप जॉब की तलाश में थे ना, मानकर चलना आपको जॉब मिल जाएगी, पक्का मिलेगी, क्योंकि उसके बीच में अगर कुछ माहौल क्रिएट हो रहा था ना, क्योंकि वो हट रहा है ना। तो यहाँ पर किसी का काम बनते हुए कुछ चीजें सफल होती हुई नजर आ रही, फलीभूत होती हुई नजर आ रही है गाइस। अब आप किस काम को लेकर कोशिशें कर रहे थे, या कौन सी चीजें आपकी डिले में जा रही थी, या किस बात को लेकर आप वेट कर रहे थे, है ना, वो मार्ग प्रशस्त होना, वो चीजें सुधरेगी गाइस, है ना। कोई भी काम हो जो डिफिकल्ट लग रहा था ना, वो इस पोर्टल में आपके खुलने वाला है, वो इस पोर्टल में आपके बनने वाला है गाइस, ठीक है। ये सही राह पर हो, कठिनाई आई तभी इसी राह पर चलो गाइस, अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। देखो कहा ना, यहाँ पर मानसिक शांति लग रही है, यहाँ पर पीस लग रहा है गाइस इस महीने में, तो कह लो गाइस, थ्री थ्री पोर्टल में कह लो। देखो एक बात कहूँ, थ्री थ्री पोर्टल क्या कहता है, नंबर थ्री की एनर्जी है जो क्या कहती है, इसे बताती हूँ कि जिस समय में आपको शांति रखने को कहा गया था, आपको कहा गया था कि इस समय में थोड़ा चुप रहना, या कभी आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बनी अभी हाल ही के दौरान में कि जहां पर आप गलत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको चुप रहना पड़ा, आपको पलट कर वापस अपने बारे में सफाई देने की ऐसा परिस्थितियां नहीं थी, है ना, जहां पर केवल मात्र आपको सहने की परिस्थितियां थी, वहां पर आपको नंबर थ्री थे बहुत दिखे होंगे। वो क्यों दिखे थे कि एक समय आने दो, यही थ्री थ्री की एनर्जी जो आपको बार बार नजर आ रही है, जो आपको तसल्ली सांत्वना देने की कोशिश करे, आपको धैर्य बांधने की कोशिश कर रही है ना, उसका आउटपुट आप देख आपको देखने को मिलेगा, उस एनर्जी का खेल आप देखोगे गाइस, कि ये थ्री थ्री की एनर्जी आपको क्यों नजर आई, और थ्री थ्री का पोर्टल ये क्या लेकर आ रहा है, देखो क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके लिए साहस में वृद्धि, आपको जोन से बाहर जाकर कोई काम कर दिखाने का साहस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो सुखद है, जो एक बाकी था गाइस, दुख वाला भोग लिया, सुख वाला बाकी है, सुख वाला बाकी इसी वजह से तो देखो गाइस कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, है ना, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ही क्रिएट ना हो, परेशानी क्रिएट करने वाले नहीं रहेंगे तो कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी, मतलब दुख की जड़ें निकल रही है आपकी लाइफ से। तो मानसिक शांति आना ये तो तय है गाइस, और जहां पर सकारात्मकता का पलड़ा भारी हो जाता है ना, नकारात्मकता को भागना पड़ता है, ये नकारात्मकता भाग रही है, स्थान ही नहीं रहा गाइस, अंधेरे का कोई स्थान ही नहीं रहा, है ना, भाग्य का उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सब कुछ अच्छा, रोशनी रोशनी और केवल मात्र रोशनी गाइस, इतनी शांति और पीस मिलने वाली है आपको ना, जगह जगह पर ऐसा लगेगा देखना ये थ्री थ्री पोर्टल के बाद में, कि आपके काम ना जल्दी से बन रहे हैं, है ना, या आप किसी को कोई बात कहने की कोशिश करो, एक बार कोई बात आपकी सुनेगा, जहां पर लोग शायद आपकी बात को काटने की कोशिश कर रहे थे, इवन छोटे भी आपसे जो छोटे हैं वो भी आपकी बात को अच्छे से नहीं सुन रहे थे, या अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे अगर आपकी बात को अनसुना कर रहे थे, तो थ्री थ्री पोर्टल के बाद में देखना, एक बार आपकी बात को सुना जाएगा, आपके विचार को समझने की कोशिश की जाएगी, क्या आखिर आप कहना क्या चाहते हो, है ना। ये जो मतलब एक कहता है ना कि एक परिस्थिति कभी कभी बन जाती है गाइस, कि कभी कोई इंसान एकदम सामने से सही बात कह रहा है और दूसरे इंसान को समझ में ही नहीं है, वो उस बात को गलत ही ले रहा है ना। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि आपकी बात को सही मायनों में, सही वैल्यू के रूप में लेना, है ना, ये भी चीज होगी गाइस। और शांति और पीस, कलह अगर चल रहा है आपके घर परिवार में, कलह दूर होगा, है ना, आपके शब्द प्रभावी तौर पर ना लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका थ्रॉट चक्र कह सकती हूँ गाइस कि ये एक्टिव हो रहा है ना, और आपकी कही हुई बातों का फलना ये भी होगा, ये देखना कि आप इस वजह से काफी समय से आ रहा है गाइस कि आप अपने बारे में अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और एक और चीज कि जब कभी भी आप, ये हो सकता है रीडिंग देखो तब तक की बात होगी या इसके पास तक की बात होगी, कि जब आप अपने बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करते हो ना, सोचने की कोशिश करते हो ना, तो आपसे हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं कहते इल्यूजन या एक नेगेटिव थॉट, है ना, वो आपके भीतर में चलना स्टार्ट हो जाता है,
बोल ही नहीं पाते आप अपने बारे में अच्छा, और जहां गुस्सा आता है वहां पर एनर्जी का खेल होता है, इतना गलत बोल देते हो आप अपने बारे में, और जहां गुस्सा आता है ना तो आप अपने बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल देते हो, लेकिन अच्छा बोल नहीं पाते। ये इन चीजों में है ना आपका थ्रोट चक्र जो है ना ये एक्टिव हो रहा है, तो आप अपने बारे में भी बहुत अच्छा बोलोगे, और जो अपने बारे में अच्छा बोलोगे ना मतलब क्या है, ये आपकी एनर्जी आपका सपोर्ट करेगी, जो और लोगों का सपोर्ट कर रही थी ना, ये चीज ठीक हो रही है गाइस, कि आप अपनी हेल्प अपनी ऊर्जा के आधार पर करने वाले हो, ये जोन से बाहर आ रहे हो, ये जोन केवल उस बात को लेकर नहीं है कि हम किसी एक्शन को लेने से डर रहे हैं, है ना, ये वाली बात नहीं है, रिस्क टेकर बनना है केवल इतने बात तक में नहीं है गाइस, यहाँ पर ये है कि आपकी एनर्जी जिस चीजों से डर रही थी, आप जिस चीजों से डर रहे थे कि मेरे लिए अच्छा बोलना फलता नहीं, और गलत अपने आप चाहे कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करो अपने आप हो जाता है कि खुद के लिए गलत सोच लिया जाता है या फिर बोल दिया जाता है, वो चीजें ठीक हो जाएगी। अब आप अपने लिए बहुत अच्छा बोलोगे, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये बात कह रहा है सरलता की, जीवन के सरल होने के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 3 के साथ नंबर 2 का कार्ड आया है, यानी 32 है ना, जो लाइफ में वर्तमान में जिस तरीके से मालिक आपको चलने की सलाह दे रहे, जो धारा में आप बह रहे हो ना उसमें सकारात्मकता का है, उसमें आसानी आपके जीवन यात्रा को आसान करने वाली बात के बारे में कहा जा रहा है, तो काम शीघ्र से बनेंगे, ठीक है, लोग परेशान नहीं करेंगे, आपका आत्मविश्वास का लेवल अच्छा होगा, आप में सकारात्मक बदलाव आएंगे, आपके खुद के व्यवहार में देखना का है ना, कि अगर छोटी छोटी सी अगर आसपास में ही कोई बहसबाजी वाला या फिर झगड़ा माहौल क्रिएट होना, वहां पर आप नहीं करोगे झगड़ा माहौल क्रिएट, वहां पर आप शांत करने की कोशिश करोगे, और आप अपना ये बदलता हुआ रूप देखोगे गाइस, अपना बदलता हुआ बिहेवियर देखोगे, अरे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो रहा है, मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं संतुलन में आ रही है ना, गुस्से में भी गलत नहीं कहना, ये वाला भाव गाइस, ये बहुत अच्छी बदलाव आ रही है आप में, बहुत सकारात्मक चेंज आ रहे हैं, द वर्ल्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहा ना गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपकी लाइफ का एक नया पोर्टल ही है गाइस, यहाँ पर भी डोर ओपन होते हो और यहाँ पर भी एक कदम लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ चीजें छूटी है जो छूट गई है ना, और क्या छूटी है, बुरी चीजें छूटी है, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में काम के ही नहीं है गाइस, और ये नहीं कि आपके अपने नहीं गाइस, जो लोग बुरे थे है ना, जो आपको तकलीफ पहुंचा रहे थे ना, वो लोग छूटे हैं आपकी यात्रा से, तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो या फिर आपके आसपास के वातावरण से आसपास के माहौल से आपकी बनती नहीं है, जहाँ लोग गलत हो, जहाँ लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करे, वो लोग अगर लाइफ में अगर इस यात्रा में साथ ना चले तो दिक्कत नहीं है गाइस, हमारे अपने होने चाहिए है ना, और उनके साथ हमारा तालमेल अच्छा होना चाहिए, इतना मात्र तो काफी है हमारे संसार के लिए, हमारे अपने और जो लोग हमारे हितेशी हो उतना काफी है गाइस, भीड़ इकट्ठा करने से क्या मतलब अगर वो लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करे, है ना, तो आपकी लाइफ से अगर कुछ लोग छूटे हैं पास्ट में, तो वो लोग केवल वही लोग थे जो आपका अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन आपकी लाइफ में ये 3-3 पोर्टल जो है, एक सकारात्मकता के साथ साथ नई नई एनर्जी भी आपकी लाइफ में आएगी, मित्र के रूप में हो, ठीक है, चाहे आपकी हेल्प करने वाले, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल सपोर्ट मुझे लग रहा है तो किसी न किसी जरिए से तो होगा ही होगा गाइस, जो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करे, जो कहीं ना कहीं आपको सही सलाह देने की कोशिश करे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए, या अगर आपके मन में कोई तकलीफ है तो आपकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करे, जिससे आप रिलैक्स हो जाओ, कहने का मतलब ये है गाइस, मुझे अभी तक में ये समझ में आ रहा है, ये पोर्टल जो है ना ये कहीं ना कहीं आपको शांत करने के लिए है, कि आपके मन में जो तूफान चल रहा है ना उस तूफान को कैसे शांत किया जाए, आपकी घबराहट को कैसे कम किया जाए, आपको मेंटल पीस कैसे दी जाए, यहाँ ना केवल स्पिरिचुअल सपोर्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात कही जा रही है बस, यहाँ पर मेंटल सपोर्ट है ना, मानसिक तौर पर कहते हैं ना एक सहारा, जहां पर तनाव चिंता ये कम हो जाए किसी बंदे की, जहां पर किसी बंदे को ऐसा एहसास हो कि मालिक किसी न किसी रूप में मेरे साथ है, अब मुझे डरने वाली बात नहीं है, अब चाहे आपको लगे कि अब
पाथ पर ना अपने अकेले चल रहे हो, लेकिन आपको लगेगा मालिक कहीं ना कहीं रोशनी करके बैठे हैं मेरे लिए, वो मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, है ना। कुछ अलग एहसास होंगे गाइस, मुझे जितना समझ में आ रहा है ना इस पोर्टल के बाद में, जैसे हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके के साइन मिल रहे हैं, या कुछ ऐसा कि आजकल आप ना यूनिवर्स के साथ कनेक्शन, या हो सकता है कि मेडिटेशन या कोई साधना कर रहे हो आप, किसी तरीके का कुछ स्पेशल आप कर रहे हो गाइस। ये समय ना आपके समय को क्यों बदल रहा है, कुछ आपके द्वारा कुछ विशेष किया जा रहा है। चाहे आप, मैं ये नहीं कह रही कि चार चार पांच पांच घंटे आप बैठकर कोई साधना कर रहे हो, मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपके द्वारा कुछ ऐसा स्पेशल किया जा रहा है जिससे आप मालिक को प्रसन्न कर रहे हो, जिससे मालिक के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे ये मुझे इसी बात के बारे में कह रहा है कि उस कनेक्शन का एहसास और ज्यादा होना, कुछ कुछ अच्छा फील होना आपको, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक किसी बच्चे को इस तरीके से फील होना कि कोई मेरे साथ है, और एक अलग अनुभव आपको होना, ये होगा ये त्रि त्रि पोर्टल के बाद में। या तो आप कुछ सोचो, कोई बड़ी बात, कुछ अच्छा, और वो मैनिफेस्ट हो जाए, और आपको लगे ये मैंने किसी को नहीं कहा था, और मैंने ये मैनिफेस्ट भी नहीं किया, मैंने बस सोचा है अपने मन में, या अपने आप कोई बात मेरे मन में आ गई, तो आपको लगे कि क्या पता ये मेरी इंट्यूशन थी या मेरा मैनिफेस्ट करना हुआ, कुछ भी, लेकिन जो आपने सोचा ना वो हुआ। या एक मन में शिकायत आप मालिक से करो, किसी को नहीं, बोलकर नहीं कहोगे कि कुछ बात आप मालिक को कहो, मालिक ये चीज मेरी लाइफ में मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना। ये करंट सिचुएशन के बारे में होगा, और उस चीज में बदलाव आपको देखने को मिले, और आपके मन में ये आएगा कि ये तो मैंने अपने मन में मालिक को कहा है, मुझे यहाँ पर आपके शब्द काम में लिए हुए नजर नहीं आ रहे, है ना। ये थोड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है, कनेक्ट होना इससे। क्या कहना चाह रही हूं मैं, शब्द काम में नहीं लोगे, मन में मालिक से कोई बात या कोई क्वेश्चन उठाओगे आप, उसका आंसर आपको मिलेगा, देख लेना, ये होकर रहेगा। इस वजह से मन में कोई भी बात आती, कोई क्वेश्चन आता है, कोई परेशान कर रहा है, जो कुछ भी है, मन में कहना, मालिक से कहना, बिना वर्ड्स यूज किए, ठीक है। आपकी निगाहें काफी, आपकी नजरें काफी है आपके दिल की बात उन तक पहुंचाने के लिए। यदि अंधेरा खत्म क्यों ना हो, ये भागेंगे क्यों नहीं बताओ आप, जब किसी का भाग्य उदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, क्यों नहीं भागेंगे, चलाकर सामने से देखना, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ना आए तो देखना। इंतजार कर रहे हो ना, इंतजार करने को कहाँ गया, धैर्य रखने को कहाँ गया, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, परेशान मत हो, चुप हो जाओ बुरी परिस्थितियों में। दुख सहने के लिए थोड़ी ना, कि अत्याचार सहने के लिए आप चुप हो जाओ, आपको ये तसल्ली पुरस्कार दिया जा रहा है या सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में, जैसे तूफान चल रहा होता ना गाइस, भयंकर वाला, तो वहां पर उस विपरीत सिचुएशन में चलने से अच्छा थोड़ी देर के लिए वहां पर रोकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ताकि तूफान निकल जाए, हानि ना हो। बस वही बात थी, अगर आपको किसी मामले में स्टक किया गया था ना, रोका गया था ना, तो आपको बुरे नुकसान से बचाने के लिए, बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में घटित ना हो जाए, उसके लिए। तूफान निकल चुका है, जो कईयों बार आ चुका है रीडिंग में, और इस बात के लिए तसल्ली रखो, इस बात का तो ग्रेटिट्यूड अभी भी दे सकते हो मालिक को, कि मालिक मेरी लाइफ से परेशानी खत्म करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और आई लव यू सो मच, है ना। और अब मेरी लाइफ में ये मामले जो अब सामने आए हैं ना, इन मामलों में रिकवरी कर दो, जो मेरे हित के लिए है, मेरे संसार के हित के लिए है, मतलब मेरी दुनिया, मेरे अपनों के लिए है ना, वहां पर मेरी भी हानि ना हो, मेरे अपनों की भी हानि ना हो, कोई ऐसा रास्ता निकाल दो मालिक, शांति पूर्वक तरीके से समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। अगर कोई गलत चल रहा है तो उन्हें सद्बुद्धि दे दो, मुझे बदला नहीं, मुझे बदलाव चाहिए, ये व्यवहार है ना, ये व्यवहार, और ऐसा ही रहेगा आपके, और ऐसा ही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक नहीं दो हिंट आए हैं गाइस, और ये बदलाव लेकर आएंगे, और सबसे अच्छी बात आपके लिए अबंडेंस आ रही है, सच में
अबंडेंस आपके लिए आ रही है, ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है, आपके काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना पूरी पूरी है। इसके अलावा भी अगर कोई और जॉब की तैयारी कर रहे हो या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देकर आए हो, आपको उसका कॉल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके इंतजार पूरा होता हुआ और आपको एक फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है गाइस। ये फ्रीडम वही फ्रीडम है जो आप चाहते थे, लेकिन ये परिस्थितियां क्रिएट होकर आपको मिली है। अब आपको कि हाँ बिल्कुल यही फ्रीडम हम चाह रहे थे, पर मिली तो इस तरीके से मिली। एक और चीज है, ये तृतीय पोर्टल के बाद में ना आप कुछ कुछ बदलाव करने की कोशिश करोगे। जैसे एक तो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, वो अलग बात है, लेकिन ना एक जैसे कहते हैं ना कि कपड़े पहनने के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव है ना, ये कुछ होगा आपके साथ। हो सकता है कि नया कुछ ट्राई करने की कोशिश करोगे आप, है ना। ये है एक्चुअल में आपका मन खुश रहने वाला है, तो जब मन खुश रहता है ना तो मन में चंचलता आती है, वो चंचलता आपको देखने को मिलेगी। आप कहोगे कि मेरा एक जगह पर ना मन ही नहीं ठहर रहा है, मेरा मन कभी कर रहा है बाहर घूमने के लिए जाऊं, मेरा मन कर रहा है कभी उधर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब ऐसे ऐसे एक होता ना कि मन की अस्थिरता, वो आपको देखने को मिलेगी कि कोई चीज अगर मुझे मिलनी है तो जल्दी जल्दी मिल जाए ना मालिक, मुझे खुशी के लिए अब वेट नहीं करना पड़े, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि ये है द वर्ल्ड का कार्ड जो एक एंडिंग के बारे में बात करता है, और ये है सन का कार्ड जो एक नई शुरुआत के बारे में बात करता है। तो इशारा और संकेत आपको मिल जाएगा इस पोर्टल में कि क्या चीज बुरी परिस्थितियां का एंड हो चुका है और क्या एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है ना। ये आपकी जीवन यात्रा है गाइस, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं ना, एक बच्चे को ना अंगुली पकड़ कर सॉरी, एक बच्चे को ना उंगली पकड़ कर ना चलाया जाता है ना, कुछ वैसे ही रहमत है आप पर। हीलर ऑफ द एजेस, ये देखो कहाँ ना एनर्जी का संतुलित होना, हार्ट चक्र ओपन होना, क्योंकि खुशी मिलेगी, और यहाँ पर कहाँ ना सेवन चक्र भी एक्टिव होना, कि मालिक के साथ कनेक्शन, एहसास, अनुभव कोई विशेष होगा आपको, जो केवल मात्र आपको होगा और किसी को नहीं होगा। ठीक है, ये किसी को मत कहना, हो सकता है सपनों के थ्रू हो सकता है, या आप यूनिवर्स की तरफ देखो तब आपको कुछ अच्छा महसूस होगा, या जो भी, जैसा मैंने अभी कहा कि मन में कुछ आप बात करो मालिक से और उसका रिप्लाई आपको मिले किसी के भी थ्रू, लेकिन आपको लगेगा ये मैंने मालिक से सवाल पूछा था, चाहे किसी इंसान के रूप में उसका जवाब मिले, किसी के भी रूप में मिले, लेकिन आपको उसका जवाब मिलेगा गाइस। ये ऐसा एहसास कहा ना, थोड़ी ये ना स्पिरिचुअल हो रही है, थोड़ा आपका ना ध्यान आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा आपका, देखना ये धीरे धीरे पोर्टल आपको करेगा गाइस, है ना। थोड़े थोड़े मेडिटेशन करने के बारे में, या कुछ जैसा मैंने कहा कोई साधना कर रहे हो आप, कोई स्त्रोत सुन रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो ना स्पेशल जो आपको पता है वो कंटिन्यू में रखना, मालिक आप पर प्रसन्न है। अटैचमेंट, ओके, कोई आपके बारे में सोच रहे हैं गाइस, है ना। ये 3-3 पोर्टल किसी को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, गॉडेस ऑफ द मून। कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं गाइस, जिनसे आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद है, जिनके साथ आपका लगाव है, आपका अटैचमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में आप भी बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या कहीं ना कहीं आपकी भी दिली तमन्ना है उनसे बातचीत हो जाए। ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या अगर लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो नो कांटेक्ट वाली स्थिति है, तो वहां पर भी कह सकती हूँ गाइस कि जितना आप किसी के बारे में, हो सकता है इन दिनों में बहुत ज्यादा ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग में किसी पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अभी इन दिनों में ऐसा क्यों है ना, ऐसा लग रहा है लंबा समय हुआ है गाइस, 4-5 महीने हो गए हैं, लास्ट अगस्त से हो सकता है, सितंबर से हो सकता है, कि आपका किसी के साथ एक दूरी बनी है ना। और यहाँ पर फिर से कह सकते हैं गाइस कि किसी के साथ बातचीत आपकी स्टार्ट होगी, है ना। यहाँ पर जैसे एक दीवार टूटती हुई नजर आ रही है ना, अहंकार की दीवार कह लो गाइस, गलत फहमियों की दीवार कह लो, ये टूटती हुई नजर आ रही है, और आपसे समझ अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपके भाई बहन भी है ना गाइस, तो ये देखना आपके आपके रिश्तों में ना मधुरता आएगी, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई मित्रगण भी हो सकते हैं, जिनको लेकर गलत फहमी क्रिएट हो गई थी ना, आपको लेकर या आपको उनको लेकर,
वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और रिश्तों में मधुरता आएगी, क्योंकि रिश्ते बिगाड़ने वाले लोग ही आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, उनका प्रभाव खत्म हो रहा है गाइस। अगर किसी बुरी संगत का असर है तो वो संगत निकल रही है ना। तो लाइफ आसान होना और रिश्ते अच्छे होना, घर परिवार का, मैरिज का माहौल अच्छा होना। मैरिज में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो जा रही है आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी से भी आपको आपकी लाइफ से नियंत्रण खत्म होना, थर्ड पार्टी का निकलना आपकी लाइफ से। तो खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं? गाइस नंबर टू की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। देखो गाइस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 3-3 पोर्टल जो है ना, आपके लिए चॉइसेस लेकर आएगा, अनेकों चॉइसेस लेकर आएगा गाइस। एक चॉइस की आप उम्मीद कर रहे हो, आपके लिए ऑप्शन एक से ज्यादा आएंगे और उनमें से एक का चयन आप करोगे। देखो आपके लिए व्यवस्था क्या हो रही है, आपके दिमाग में ना परेशानियां इतने सारे मैटर को लेकर है, एक एक करके मैटर में सुधार होते हुए आपको नजर आएगा। आपको अबंडेंस भी मिलेगी, आपके लिए हो सकता है मैरिज का कोई प्रपोजल आ जाए, या कोई इंसान है ना आपको प्रपोज करे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपके मन को शांति मिलना, आपके घर परिवार का माहौल अच्छा होना और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन भी। मतलब एक बात कहूँ, ये पोर्टल आपकी चिंताओं को दूर करते हुए नजर आ रहा है, कि एक एक करके जिन मसलों को लेकर आपकी चिंताएं बनी हुई है, उन चिंताओं को दूर करना। गलत नेगेटिविटी या कह सकते हैं बुरी नेगेटिविटी जो है ना गाइस, ये अगर लाइफ से निकल जाना तो लाइफ जो है ना 50% ऐसे ही आसान हो जाए। बाद में हमारी कर्म है ना, जो हमारी लाइफ में सक्रियता के साथ साथ हमारे लिए अच्छे परिणाम लेकर आए, तो उनका कम्बिनेशन भी बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कह सकते हैं गाइस कि एक नए सिरे से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, चाहे ये आप कैरियर को लेकर देखो, चाहे ये आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर देखो, है ना। तो चीज़ों में बेहतरी, चीज़ों में अच्छा सुधार, बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। ये हुआ अवेयरनेस गाइस, ये एक नई शुरुआत के बारे में। देखो 2-1 है ना, अवेयरनेस यहाँ पर भी देखो, ये कुछ विशेष है गाइस। जागरूकता, मालिक आपको किस बात के बारे में आगाह कर रहे हैं उसको लेकर है ना, कुछ कुछ महसूस होना, कुछ कुछ फील होना आपको, और एक नई शुरुआत गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी सन की एनर्जी और यहाँ पर भी ये एक न्यू शुरुआत के बारे में, न्यू बिगिनिंग के बारे में बात कही जा रही है गाइस। देखो एक बात कहूँ, किसी बात को लेकर अगर डर है ना आपके, प्रोटेक्शन मालिक आपको कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्टेड किए हुए हैं। अगर आप अपनी और अपने परिवारजन की आयु को लेकर या हेल्थ को लेकर या किसी तरीके की नेगेटिविटी को लेकर डर है ना, वो डर दूर कर दो, कुछ भी गलत नहीं होगा। मालिक कह रहे हैं कि वो आपको सुरक्षित किए हुए हैं, आपके आपके प्रियजनों को सुरक्षित किए हुए हैं, तो आप चिंता मत करो, है ना। उन पर बिलीव रखो, उन पर ट्रस्ट रखो। कोई डिसीजन भी आप लेने वाले हो गाइस, यहाँ पर इस बात के बारे में भी लग रहा है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेने के लिए था, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी ना, तो ये कोई डिसीजन पर आप पहुँचने वाले हो, जो ये भी कार्ड कह रहा है कि एक रास्ता पकड़ लेना, एक फैसले को सुनिश्चित कर लेना। अच्छा निर्णय लेते हुए नजर, ये 3 की एनर्जी, किस प्रकार मैं आपको समझाऊं कि ये आपके लिए सुरक्षा लेकर आ रही है, आपके हार्ट को ओपन करे। हार्ट कैसे ओपन होगा, जब बच्चे का मन चाहा उनको मिल जाता है ना, तब वो बिल्कुल खुश हो जाता है गाइस, वो ट्रस्ट फिर से जिंदा होता है, मालिक पर भी, खुद पर भी, लोगों पर भी, कि चलो समय का खेल था है ना, परेशानी हो गई, एक बार दुख हो गया, ठीक है, अब वापस से चीजें सुधर रही, वापस से ग्रोथ नजर आ रही है ना। पतझड़ के बाद की बसंत बहार है ना, जो तूफान बिखेर कर चला गया, फिर से वो रिकवर हो रहा है ना, रिकवरी हो रही है ना, वो देखोगे आप अपनी नजरों से, और इसे कभी भूल नहीं पाओगे देखना। और ये भी नहीं कह रही हूं कि सारा कुछ बदला एक त्रि-त्रि पोर्टल में ही हो जाएगा, ये पोर्टल उसका बीजारोपण पहले हो चुका है, उसका फलीभूत आपको आपको अब देखने को मिलेगा। इस बारे में अवेयर कहा जा रहा है, अवेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि गिवअप मत करना, बदलती हुई चीजें आप अपनी नजरों से देखोगे, जो आपके लिए शुभदायक है, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, आपके लिए पॉजिटिव आउटपुट लेकर आ रही है,
है ना, ये आपकी मेहनत है गाइस। हताश मत होना, हताश होने के लिए तो संभावना ही नहीं है गाइस, आपको होना ही नहीं हताश। इतना साहस रखने के बाद में, इतना भोगने के बाद में अब कोई इंसान अगर गिव अप कर देना तो फिर गलत है सच में। अब खेल देखना, अब जो पन्ना पलटता है ना, ये पन्ना पलटने की बात है वो देखना। क्योंकि ये तो है गाइस कि मार्च के महीने में तो पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ बेहतर है ना। कैरियर को लेकर ग्रोथ देख लेना और मन की शांति भी देखना। चिंताएं तो खत्म होगी। 6 की एनर्जी, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 की एनर्जी नहीं आई है, ये फिर से 6 की एनर्जी, हार्मनी आ रही है गाइस, मेमोरीज ऑफ लव। कहा ना, मसले अगर बिगड़े हुए थे ना रिश्तों को लेकर, वो भी ठीक होंगे, ठीक है। हार्मनी आएगी आपके लाइफ में, कोई आपके दिल को समझने की कोशिश करेगा, आप चाहते क्या हो। या अगर आपको किसी इंसान से शिकायत थी ना, वो शिकायत कितने हद तक में सही थी या गलत थी, मतलब आपकी किसी इंसान से कोई मांग है गाइस, है ना, कि आपके इस विचार को समझे कि आप चाहते क्या हो, आपके मन में क्या है, और उस विचार को कोई इंसान उसी आधार पर समझे जिस आधार पर आप कहना चाहते हो, ये बड़ी बात हो गई है ना। और वही चीज गाइस आपके लाइफ में होगी कि कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है, अब इतना समय गलतफहमी होने के बाद में। चलो कोई बात नहीं, कहता ना कि देर से ही सही लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, ये कुछ सुधार होते हुए नजर आ रहा है गाइस, कुछ बिगड़ा हुआ सुधरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है, 6-6 का कार्ड जो है वो एक सक्सेस के बारे में भी बात कर रहा है कि कोई काम अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो उसकी सफलता आपको देखने को मिलेगी, है ना। देखो एक बात कहूँगा, इसकी ग्रोथ है ना आपको दिखेगी ही दिखेगी, यहाँ पर भी मुझे ग्रोथ ही ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब अमाउंट आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है अच्छा खासा सा, है ना। पैसों को लेकर चिंता नहीं है इस महीने में, त्रि-त्रि पोर्टल में अमाउंट आपके पास अच्छा खासा आएगा, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था होगी। ओ माय गॉड, फिर से 6 की एनर्जी, 3rd आई चक्र, बहुत स्पिरिचुअल रहोगे गाइस, और 2 की एनर्जी आई है, तो सही राह पर हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मालिक पर बिलीव रखो। 666 की एनर्जी आई है जो चेंज बड़ा लेकर आएगी गाइस, बड़ी सफलता लेकर आएगी। इवन मैं कह लूँ कि अगर जैसा इन दिनों में आ रहा है कि अगर कोई नया काम की शुरुआत करना चाह रहे हो ना तो कर लेना गाइस, उसमें हार्मनी पक्का है आपके और सक्सेस पक्का है। अगर कोई ऑनलाइन काम करने के बारे में भी मन में आता ना तो एक बार स्टार्ट करना गाइस, सफलता की संभावना बनी हुई है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि आपने एक्शन लिया और उसमें सफलता, आपने कर्म किया और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, शीघ्र चीजें होंगी, ठीक है। तो थोड़ा जागरूक रहना, अगर आपका मन किसी बात को लेकर आगाह करता है, इंट्यूशन देती है किसी बात का आइडिया, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी किसी और की मत सुनना, अपने मन की सुनना, आपका मन आपको सही गाइडेंस देगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।